वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। दोस्तों आज मैं अपने गार्डन के वो प्लांट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं, वो मैंने कहीं से ख़रीदे नहीं हैं और मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको अपने गार्डन में ऐड किया है। मैंने कटिंग से या कहीं से हंटिंग करके इनको अपने गार्डन में ऐड किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्लांट है वो ये ड्रेसिना का प्लांट है, ड्रेसिना कोडिलाइन, और इसको मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया था। इसका कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वेरिकेशन होता है और ये प्लांट मैं अपने घर से लेके आई थी। मेरे घर पर काफ़ी सारे प्लांट, बहुत पुराना प्लांट है तो उसी में से मैंने ये हार्वेस्ट किया था। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये पेंसिल कैक्टस। इसे मैं अपने घर से रीपॉट करके लाई थी और घर पर ये मैंने ही कहीं से अपने परिवार में से किसी के यहाँ से कटिंग ला के लगाया था। बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, छोटे छोटे मग्स और छोटे छोटे सिरामिक प्लांटर में ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तीसरा जो प्लांट है वो है ये अगेव का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स में से एक होता है। ये मेरा ज़ीरो कॉस्ट है। हमारी सोसाइटी के गार्डन में ये बहुत सारे प्लांट्स खड़े हैं और अगर ये प्लांट आपको कहीं भी पार्क्स वगैरह में दिख जाए तो इसकी जड़ों में से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनको आप अलग कर लेंगे तो उनसे एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। मेरे घर पर अगेव की कई सारी वैरायटी थी पहले और अब ये प्लांट मेरे घर पर नहीं है, लेकिन जब ये था तभी मैंने इसके बेबी प्लांट्स इसको रेडी किया था। नेक्स्ट है ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम की देसी वैरायटी है और पहले हमारे घर पर ये काफ़ी सारे प्लांट थे, अब तो सिर्फ एक ही रह गया है। ये प्लांट आपको पार्क्स में भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो इनको कटिंग से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये वाइन की फॉर्म में भी चल जाता है। इसको आप मार्च में और बरसात के सीज़न में आसानी से लगा सकते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है तुलसी जी का प्लांट। तुलसी जी के प्लांट को मैंने कभी भी किसी नर्सरी से नहीं ख़रीदा, या तो मैंने सीड से ग्रो किया है या मैं जब भी अपने घर जाती हूँ तो मैं वहाँ से बेबी प्लांट्स लेके आ जाती हूँ, तो इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस गमले में मैंने कई तरह के प्लांट्स और भी लगाए हुए हैं, डेविस बैकबोन, स्नेक प्लांट। तुलसी जी आपको हर घर में मिल जाएगी तो आप उसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट में अगला प्लांट है ये पाथर चट्टा का प्लांट। ये प्लांट भी मेरा ज़ीरो कॉस्ट प्लांट है और ये मैं अपने घर से लेके आई थी। अगर आपको इस प्लांट की कहीं से भी एक पत्ती भी मिल जाए तो आप उसकी हेल्प से भी नए नए प्लांट बना सकते हैं। देखिए पत्ती से नए प्लांट बने हुए हैं मेरे गमले में, तो इसके लिए भी मैंने कहीं बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं खर्च किया है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला जो प्लांट है वो है ये नेस्टेशियम प्लांट। ये विंटर फ्लावरिंग सीजनल प्लांट होते हैं और करीब दो या ढाई साल पहले मेरे पास के एक दो सीड्स थे जिनकी हेल्प से मैंने इनको ग्रो किया था और उसके बाद से मैं इनके सीड्स रख लेती हूँ। जब अक्टूबर आता है तब ग्रो कर देती हूँ, अक्टूबर या नवंबर में। तो इस बार भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं, तो एक ही प्लांट पर बहुत सारे सीड्स आते हैं तो आप उनको सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये विनका। देसी विनका है, वाइट कलर वाला है और इसको आपको अगर आपके पास सीड्स हैं तो आपको कभी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेंटेनेंस वाला। तो मेरे पास वाइट वैरायटी है जो कि सीड से ग्रो हुआ था, दूसरी कलर की सीड्स भी हैं जिनको मैं फरवरी में ग्रो करूँगी। यह हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। अगर आपको कहीं भी इसके प्लांट दिख जाए तो आप इसको सीड से ग्रो करें, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ये डेट पाम और इसके काफ़ी सारे सीड्स हमने अपने कई सारे गमलों में ग्रो किए थे और सारे ही प्लांट्स ग्रो हो गए थे। हालांकि दो तीन प्लांट हमने रख के बाकी को हटा दिया था क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और घर में जो आप खजूर खाते हैं उन्हीं के बीज को अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो दो से तीन महीने के अंदर इनमें जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और थोड़ा सा टाइम होने में और बढ़ने में भी, तो इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उगा सकते हैं क्योंकि सीड्स इनके वेस्ट हो जाते हैं, तो आप इनको मिट्टी में दबा दीजिए। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस बहुत ही कॉमन प्लांट है, हर एक पार्क में आपको मिल जाएगा और ये प्लांट मैंने अपने घर से लेके आई थी। मैं कटिंग से मैंने ग्रो किया था,
हालांकि मेरा प्लांट अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन इसकी ट्रिमिंग आप करते रहिए तो बुशी हो जाता है, थोड़ा मैच्योर होने पर अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो ये भी मेरा ज़ीरो कॉस्ट प्लांट है। और नेक्स्ट है ये कोलियस का प्लांट, ये भी मैं अपने घर से प्रोपगेट करके लाई थी, और आई थिंक मेरी फैमिली में, मेरे जितने भी परिवार में जितने घर हैं उन सबके घर में ही है, और कोलियस का प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये रोयो यानी कि बोट लिली का प्लांट, और ये मेरे ससुराल और मेरे मायके दोनों ही जगह पर लगा हुआ है, और दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा रूट बाउंड भी हो गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट लेके मैं आई थी अपने घर से, और देखिए 4-5 रेडी हो गए हैं। इसको आप कटिंग से या फिर इनके पप से इजीली ग्रो कर सकते हैं, और एक बार ले आएंगे तो पूरा साल आपके गार्डन में प्लांट बना रहता है। और इसके कुछ और प्लांट्स भी मैं लेके आऊँगी। दोस्तों अगला प्लांट है ये बोलीवियन ज्यू यानी कि इंच प्लांट, और इसे टर्टल वाइन भी कहते हैं। ये मैं बहुत थोड़ी सी कटिंग प्रोपगेट करके लाई थी, अपने घर से लेके आई थी मैं इसको, और आप इसको दो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पिजन नेट लगाने से पहले कबूतर इसको बहुत ज़्यादा तोड़ देते थे, तो जो भी कटिंग्स वो तोड़ते थे उनको मैं अलग अलग गमलों में प्रोपगेट कर लेती थी, तो कई सारे गमलों में ये हो गया है। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, तो कहीं से भी कटिंग मिले तो लगा लीजिए। नेक्स्ट है ये एलोवेरा, ये प्लांट तो बहुत ही कॉमन है, आपको हर घर में मिल जाएगा, तो आप इसका कोई भी छोटा प्लांट यानी बेबी प्लांट आप किसी से भी ले सकते हैं, और एक बार आप अपने गमले में लगा देंगे तो उसके बाद आपको नहीं लाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लांट है ये पर्पल हार्ट प्लांट, ये मैं अपने घर से लेके आई थी, और ये ग्राउंड कवरिंग के लिए पार्क में भी लगाया जाता है, तो आपको कहीं से भी इस प्लांट की कोई छोटी कटिंग मिले तो आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। एक बार लगा लेंगे तो आपको दोबारा नहीं लाना पड़ेगा, इसकी जड़ों में से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये मैमलेरिया कैक्टस, ये कैक्टस मेरे फादर लेके आए थे, और छोटी सी एक कटिंग थी जो वो अपने फ्रेंड के यहाँ से लाए थे। मेरे फादर के एक फ्रेंड है जिन्हें कैक्टस लगाने का बहुत शौक है, तो एक कैक्टस एक ही कटिंग अगर लगा लेंगे तो उसी में से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। कैक्टस की हाइट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अगर मैं चाहूँ तो इसी को ही कई सारे पीसेस बना के कटिंग से मैं और भी प्लांट रेडी कर सकती हूँ। इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट। दोस्तों ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट है, ये मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये मैं अपने घर से लेके आई थी, और ये प्लांट आपको नर्सरी में, पार्क्स में या फिर कई बार आपको रोड साइड भी दिखे तो आप इसके सिर्फ एक पत्ती भी ले आएंगे तो उसी से आप इजीली नए नए प्लांट इसके बना सकते हैं। तो सॉयल प्रोपगेशन, वाटर प्रोपगेशन दोनों में ही ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये मेरे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट थे, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं पार्ट 2 में।